प्रातरंदन बच्चों, आज हम नवम कक्षाएं के अंतर्गत जो शेबुशी आपकी बुक है प्रथमो भागा, उसका जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पूर्व, इसके पहले जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप उसको कॉपी में बहुत अच्छे से आप लिखते जाइए। चलिए आइए पढ़ते हैं द्वितीय पाठ। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? ये है द्वितीय पाठ, स्वर्ण काकम। कौन सा पाठ है ये? स्वर्ण काकम। ये क्या है? ये कथा है और विश्व कथा शतकम से संकलित है। स्वर्ण काकम का होता, स्वर्ण है सोना और काकम माने होता है सोने का कौवा। आप थोड़ा इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय है, प्रस्तो अयम पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह वृत्तो अस्ति। जो प्रस्तुत पाठ है श्री पद्मशास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से कथा संग्रह। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम् लोक कथानां वर्णम् विद्यते। एषा कथा वरम् म्यामा देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष का माध्यमे वर्णितो अस्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तुत पाठ है वह श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा विचित विश्व कथा शतकम से कथा संग्रह से लिया गया है। कौन सी से? विश्व कथा है ना। इसमें विभिन्न देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का, शत शत माने 100 लोक कथाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। शतकम और वर्णन है यह कथा वर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लालच का, किस चीज का? लालच का दुष्परिणाम क्या होता है? तो लालच का दुष्परिणाम सोने के पंख वाले एक कौवे के माध्यम से इसमें वर्णित किया गया है। किसके माध्यम से? सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से। कि लालच यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस लालच का दुष्परिणाम क्या होता है? तो ये जो कथा है हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं स्वर्ण काकम, आप ये जो पिक्चर है इसमें ये जो लड़की बनी हुई है, ये बच्ची बनी है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो उसकी जो जो खटिया है या जो पलंग है या इसको जो एक उसमें जिसमें इसमें दाना बिछाया हुआ है, जो चावल को सुखा रही है, अब उसमें आपको एक कौवा नजर आ रहा होगा जो कि इसमें सोने का कौवा है। तो इस प्रकार आज हम इस कथा को क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। चित्र के माध्यम से आप करिए कि ये सोने का कौवा है, यहाँ चावल के दाने पड़े हुए हैं, ये बच्ची है और ये देख आश्चर्य से उसको क्या कर रही है, देख रही है। चलिए यहां से कथा आपकी शुरू होती है। पुरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्या च एका दुहिता नम्रा मनोहरा चासी। एकदा माता स्थल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत्। सूर्या तपे तांडुलान भगिनो रक्षा। किंचित् कालादनन्तरम् एको विचित्रकाकः समुद्यतप्साः तस्याः समीपम् अगच्छत्। शब्दार्थ समझिए। कस्मिंश्चित्, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा। तो शब्दार्थ पुरा माने क्या होता है? प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् ग्रामे यानी किसी गांव में एकं व्यस्ते निर्धना, निर्धना यानी गरीब, जिसके पास धन नहीं हो, धन से रहता। न्यावसत रहती थी निवासनम अकरो तस्य है चा एका। इस
प्रकार तस्या उसकी एक है ना, एका और उसकी एक दुंता यानी पुत्री, दुंता जिसको कहा है पुत्री को, विनम्रा यानी विनम्र, मनोहरा यानी सुंदर, स्थालियम यानी थाली में, तांडुलान चावलों को, निक्षिप्य रखकर, आदिशत आवेश दिया, सूर्यातपे सूरज की धूप में, हरिभ्यो यानी पक्षियों से, किंचित कालांतर कालाद नंतरम यानी कुछ काल यानी कुछ समय के बाद, फिर समुद्रीय उड़कर तस्या उसके समीपम पास अगच्छत गया। अब इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद समझे आप। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी जैसे कि मैंने मनोहरा। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को क्या दिया, आदेश किया। क्या आदेश दिया उसने, कि सूरज की धूप में इन चावलों को पक्षियों से इनकी आप क्या करो, रक्षा करो। और कुछ समय बाद वो देखती है कि एक विचित्र कौवा उड़ करके, जैसे कि मैंने आपको चित्र में बताया कि एक विचित्र कौवा जो उसने कभी पहले नहीं देखा था, वो कौवा आकर के उसके पास गया, वहां पर जहां उसने चावल को सुखाने के लिए रखे थे, और उसकी माँ ने उसको आदेश दिया था कि पक्षियों से इनकी क्या करना, रक्षा करना। चलिए आगे। स्वर्ण पक्ष रजत चंचू, रजत माने क्या होता है, रजत किसको कहते हैं, स्वर्ण माने सोना, रजत माने क्या होता है, चांदी, चांदी को क्या बोलते हैं, रजत। रजत चंचू स्वर्ण काकस्य तया पूर्व दृष्टा, तम तांडुलान खादन्तम् हसन्तम् च विलोक्य बालिका रोदतु मारब्धा तम निवारयन्ति सा प्रार्थ्य तांडुलान मा भक्ष्य मदीया माता तीव्रधना वर्तते स्वर्ण पक्षा का कह प्रोवाच मा शुच सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद बहि पिप पिपलम वृक्ष मनु त्वया आगन्तव्यम् अहम् तुभ्यं तांडुल मूल्यं दास्यामि प्रहर्षिता मालिका निद्रामपि न लेहि। शब्दार्थ समझिए कि आपको यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया, अब इसके शब्दार्थ समझिए, आपको समझ में आएगा। नेतादृशः इस प्रकार का नहीं, स्वर्ण पक्षियों यानी सोने के पंखों वाला पक्ष, मतलब जो सोने के पंखों वाला जिसकी मैंने बोला था कौवा, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, चंचु माने चोंच, रजत माने चांदी की, फिर स्वर्ण का था सोने का कौवा, उसके बताया मैंने उसके द्वारा पूर्व माने पहले, दृष्टा माने देखा गया, इसके पहले उसने कभी ऐसा कौवा नहीं देखा था, और तब उसको खादंतम खाते हुए विलोक देखकर रोदतो माराब्धा यानी रोना आरंभ कर दिया, निवारयन्ति रोकती हुई प्रार्थना यानी प्रार्थना की, माँ यानी मत मधिया यानी मेरी वर्तते है प्रबोध यानी कहा माँ शुचा दुख मत करो, प्राग पहले ग्रामाद बहिर यानी गांव के बाहर, पिपला वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के पीछे, तो तुम्हारे द्वारा तुम आगंतव्यम आया जाना चाहिए यानी आप आइए, तुभ्यम तुमको तुम भवत्या प्रत्येक दास्यामि दे दूंगा प्रदान कर स्यामि हर्ष प्रहर्षिता उपज लड़की क्या हुई प्रसन्न हुई, निद्राम अपि नींद भी ना लेवे नहीं आई, ऐसा उसने जब उसको बोला कि भाई आप आना तो उसको रात में क्या नहीं आई, नींद नहीं आई। थोड़ा इसका हिंदी अनुवाद आप समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी तक यहाँ बताया कि जो सोने का कौवा था वो उड़ करके आता है और उसके चावलों को खाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको थाली में सुखाने के लिए दिए थे। अब उसके आगे वो क्या, उसने कभी भी ऐसे सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला, चांदी की सोने के पंखों है ना वाला सोने का कौवा से नहीं देखा, उसने कभी भी नहीं देखा था, उसको चावल खाते और हंसते हुए देखकर बालिका ने क्या कर दिया, रोना आरंभ कर दिया। क्यों रोई बालिका, आप बताइए यहाँ पे क्यों रोई, क्योंकि उसकी माँ ने उसको क्या आदेश दिया था कि पक्षियों से इसकी क्या करना, रक्षा करना, और उसने क्या कहा, चावल उसके खा लिए और उसको
आपके द्वारा पहले नहीं देखा गया चावल खाते हुए देखकर हंसते देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसको रोकती हुई उस बालिका ने प्रार्थना की, चावलों को क्या करो, अरे कौवा हे पक्षी मेरे चावलों को मत खाओ, मेरी माता कैसी है, मेरी माता नंदन है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, दुख मत करो, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे क्या करना, आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का क्या दे दूंगा। अरे बालिका चिंता नहीं करो, तुम पीछे आ जाना पीपल के झाड़ के, तो मैं गांव के बाहर जब आओगी तो मैं तुमको जो मैंने चावल तुम्हारा खाया मैं उसका तुमको क्या दे दूंगा, मूल दे दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को रात भर क्या नहीं आई, नींद नहीं आई। यहाँ पर तक कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा कन्यावदत् अहम् निर्मातु दुर्तास्मि ताम्र सोपानेव नैव आगस्यामि परम स्वर्ण सोपा सोपानेन सा स्वर्ण भवनम् आरुहत। शब्दार्थ समझिए, सूर्योदय कहने सूर्योदय से पहले ना, सूर्योदय से फिर तत्वोपस्था वहां पहुंच गई, वृक्षों के वृक्ष के ऊपर बिलो कर देख कर संजाता हो गई। यत्र कहाँ, वहाँ स्वर्णमय सोने का बना हुआ प्रसाद हो महल, वृक्ष के ऊपर ही उसका सोने का क्या बना था, महल बना था। चैत्र ने सोकर प्रबुद्ध ने जागा, गवा छात खिड़की से कथितम कहा, हम हो संबोधात्मक अवयव जो आवाज देने में प्रयुक्त होता है कहते ना हो, अरे ऐसे माँ बता तुम आ गई, तिष्ठो त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम, सोपानम माने क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी के लिए यहाँ पर आया है। अवतारयामि उतारता हूँ, अवतीर्ण करता हूँ, इस प्रकार रजतमय चांदी वाली क्या आएगा, रजतमय चांदी का है ना, ताम्रमय तांबे का वा अवदत तांबे की सीढ़ी के द्वारा है ना। सोपान मध्ये आरोहत चढ़ी, अब इसका हिंदी अनुवाद, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि सोने का बना हुआ महल है, अरे वृक्ष के ऊपर सोने का महल। जब कौवा सोकर जागा तो उसने क्या देखा कि सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई ठहरो, अरे बालिके तुम आ गई ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोपान यानी सीढ़ी उतारता हूँ, इसलिए बताओ सोने की वाली उतारू कि चांदी वाली उतारू कि तांबे वाली उतारू, कौन सी सीढ़ी उतारू। तो कन्या ने कहा कि देखो भाई, मैं तो मेरी जो माता है वो बहुत निर्धन है, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तो तांबे की सीढ़ी पर ही आऊंगी, परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा वह स्वर्ण में स्वर्ण महल में चढ़ी। आप पिक्चर में इसमें देख रहे होंगे ये वृक्ष पर और ये सोपानम मैंने सीढ़ी बनी हुई है, ये जो बच्ची है लड़की है जो इसमें चढ़ रही है, और जो महल आपको ये दिखाई दे रहा है ये सोने का महल है। ये इस प्रकार से चित्र के माध्यम से आप उसको समझिए। चिरकालम भवने विचित्र चित्र वस्तुनी सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता शांतम ताम विलोकाः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशः प्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थला स्थाल्यां भोजनं करिष्यामि इति वा रजतस्थल्यां उत्ताम्रस्थल्यां बालिका बालिका ने क्या कहा ताम्रस्थल्यां एवं अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकरेण स्वर्णस्थलान् भोजनं परिवेशितम् न एकादशम स्वादु भोजन भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती काको अवदत। इस प्रकार से ये शब्दार्थ जो मैंने आपको समझा रही हूँ,
चिरकालम बहुत देर तक भवने माने महल में सज्जितानी सजा हुआ है ना, अलंकृत अलंकृतानि दृष्टवा देखकर विलोक कहना ये होता है विस्मय बता आश्चर्यचकित हो गई शांतम प्रतिवरी को अवदत प्रातरावर मतलब कहा उसने बोला क्या बोला प्रातराश सुबह का नाश्ता प्रीतम कर लो स्थल है पूछता है थाली में उसने कहा हाँ अवदत संजाता हो गई परिवेष्टम परोसा गया ना एतादृशम ऐसा नहीं स्वादु स्वादिष्ट अद्यावधि यानी आज तक उसने नहीं खाया था अत्र यहाँ ही तिष्ठ यानी ठहरो तब तुम्हारी एक आदमी अकेली स्व अपनी हिंदी अनुवाद समझे बहुत देर तक महल में यानी अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर जो बालिका थी आश्चर्यचकित हो गई थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवा बोला जैसे कि मैंने आपको भी शिक्षा में बताया कि जो बालिका सीढ़ी पे चढ़ के जा रही है वो आश्चर्य देख रही है कि जो महल है वो सोने का बना हुआ पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो बताओ तुम सोने की थाली में भोजन आपने वो फिर पूछता है जैसे कि उसने जब बालिका चढ़ रही थी सीढ़ी पे तो उसने फिर पूछा था ना कि मैं कौन सी सीढ़ी आपको मतलब भेजू ऊपर आने के लिए ऐसे ही अब वो पूछ रहे हैं कि आप किस थाली में मतलब नाश्ता करेंगी आप बताओ चांदी की थाली में या तांबे की थाली में या सोने की थाली में बालिका ने कहा तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब कौवे ने जब उसने कहा तांबे की लेकिन उसने उसको कौन सी दी सोने की दी कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा गया ऐसा साधु स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो परंतु तुम्हारी माता के लिए से तुम जल्दी से क्या करो जल्दी जल्दी खाओ और घर जाओ काका कक्षा भ्यांतरा तिस्रा मंजुषा निसार्यस्ताम प्रत्यवदत बालिके यथेक्षम ग्रहण मंजुषा मेकाम लघुत्वम मंजुषा प्रग्रहा बालिकायां प्रतिदम यत ए मध्य तारिणा मूल्य ग्रहमादत्य तथा तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्य महाधारण हीरकाणि विलोक सा अप्रहर्षिता तद्नाद नाद धनिका च संजात शब्दार्थ मजी इति उक्तानि ऐसे कहकर अभ्यंतर मैंने अंदर से त्रिशन तीन मंजुषा संदूक मंजुषा के संदूक मन पेटी पेटी का ये सारे निकाल कर ताम उससे प्रतिवदत कहा यथेक्षा इच्छा अनुसार ग्रहण ले लो ग्रहण कर लो लघुत्तम सबसे छोटे प्रग्रह देखकर लेकर के उसने मतलब प्रग्रह लेकर के इत्यादि इतना ही मदीय मेरे आदत्य आकरताया उसके द्वारा बाली समुद्घाटी का खोला तस्याम उसमें महा हराणी हीरकाणी हीरे विलोक देखकर प्रहर्षित खुश हो गई तद्नाद धनिका उस दिन से धनी संजाता हो गई हिंदी समझिए हिंदी अनुवाद उसका ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर में से तीन संदूकें निकालकर उस बालिका से कहा बालिका इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो सबसे छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा इतना ही मेरे चावल का क्या है मूल्य इससे ज्यादा उसने छोटा संदूक लिया उसने बड़ा संदूक नहीं लिया लालची नहीं थी वो वह घर आकर उसने जब उसने संदूक खोला तो संदूक में से क्या निकले बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से वह जो बालिका है वो क्या हो गई वो धनी हो गई। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो द्वितीय पाठ था वो आपको पढ़ाया स्वर्ण काका वाला आपको इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है इसकी व्याख्या को और इसके आगे का मैं आने वाली क्लास में आपको और समझाऊंगी तब तक आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए बच्चों और पढ़ते रहिए धन्यवाद।